बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए एक ऐसी रेमेडी बहुत जबरदस्त है। तो आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेमेडी जो हमारी बॉडी के डार्क पार्ट क्लियर करेगी, व्हाइट करेगी और साफ करेगी। हमारे हाथों पे अक्सर हमारे निकल्स वगैरह बहुत ज्यादा डार्क होते हैं, कोनी डार्क होती है, घुटने वगैरह रखने वगैरह डार्क नजर आते हैं। तो लाइट करने के लिए मैं रेमेडी लाई हूँ, बहुत अच्छी जबरदस्त है। इससे आपकी स्किन एक जैसी लगेगी, हाथ आपके सेम लगेंगे, कोनिया घुटने और गर्दन वगैरह सेम लगेगी फेस के हिसाब से। बहुत अच्छी जबरदस्त रेमेडी है, इसे जरूर ट्राई कीजिए। एक ही दफा के इस्तेमाल से आपकी स्किन फेयर होगी, ग्लो करेगी और क्लियर हो जाएगी। चीज आपके घर में मौजूद होगी, कोई भी इसका नुकसान नहीं है और स्किन अच्छी होगी, ग्लो करेगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा इसका। चलते अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें चाहिए। यहाँ हमने लिया खाली बॉल, इसमें हम डालेंगे वीट फ्लोर, गंदुम का आटा, इसमें हम डालेंगे संदलवुड पाउडर 1/2 टेबल स्पून, इसमें हम डालेंगे हल्दी 2 से 3 चुटकी, इसमें मैं यूज करूंगी एलोवेरा जेल 1 टेबल स्पून, इसमें हम यूज करेंगे दही और लेमन जूस। सब चीजों को मिक्स करेंगे। हमारी स्किन के लिए बेस्ट है, स्किन स्मूथ होगी, फेयर होगी और मॉइस होगी। हमने पेस्ट बना लिया इसका, इसे हम वहीं लगाएंगे जहां हमारी स्किन डार्क है। ये देखिए, ऐसे लगाएंगे और इसे छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट कि ये ड्राई हो जाए। इसे छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट कि ये ड्राई हो जाए। जब ये ड्राई हो जाएगा, 1 से 2 दफा के इस्तेमाल से आपको वैसा फर्क लगेगा, स्किन फेयर होगी, ग्लो करेगी, दाग धब्बे दूर होंगे, ब्राइडल हो जाएगी। मैं यहाँ से छोड़ती हूँ 10 से 15 मिनट। जब ये हल्का ड्राई हो जाएगा तो हम इसको रगड़ के उतार देंगे और मैं आपको हाथ धो के दिखाऊंगी। देखिए जी, ये वाला हाथ देखें और ये वाला देखें, ये देखें और ये वाला देखें, बिल्कुल साफ हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, स्मूथ होंगे और क्लियर स्किन हो जाएगी, लाइट होगी। जहाँ की भी स्किन आपको व्हाइट करना है इसे लगाएं, इसे यूज करें, 10 से 15 मिनट छोड़ दें, फिर उसके बाद धो लें। उम्मीद करती हूँ छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। इसे बनाने के बाद इसे फ्रिज में रख लें, 1 से 2 दफा यूज करें, फिर उसके बाद फेंक दें, दूसरा बना लें। वीक में 2 से 3 दफा यूज करें, एक ही दफा के इस्तेमाल से आपको वाजा रिजल्ट मिलेगा। करती हूँ छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा और इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगी। शाद रहें, बात रहें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।